नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्नो व्हील्स में। और यहां पे हम लेके आए हैं आज आपके लिए खूब सारी न्यूज़। तो आशा करूं आपको ये न्यूज़ पसंद आएगी। तो चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों पता लगा लेते हैं आज के इस डेली डोज के बारे में। और आशा करता हूं आपको हमारा कल का डेली डोज पसंद आएगा। अगर आप देखना भूल गए हैं तो नीचे आइए, हमने लिंक प्रोवाइड करके देखिए और बताइए कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे बात करें आज के सबसे पहले डेली डोज की, तो यह आ रही है बोल्ट ऑडियो की तरफ से। और यहाँ पे इन्होंने लॉन्च कर दिया है नया वायरलेस स्पीकर, ये है बेस बॉक्स ब्लास्टर। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। और लुक वाइज ये बहुत ही अच्छा है, नीचे से इसे फ्लेट कर दिया है तो यहाँ पर इजिली आप कहीं पर भी रख सकते हैं और म्यूजिक के मजे ले सकते हैं। बात करें और चीज़ों की, तो यहाँ आपको मिल जाती है गजब की डीप बेस। यहाँ पर आपको पावरफुल एसडी ऑकोस्टिक मिलता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है यूएसबी पोर्ट, एसडी कार्ड स्लॉट। यहाँ पर आपको मिल जाती है 3D साउंड, तो आपको 360 सराउंड साउंड मिलेगी। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी बहुत तगड़ी, बहुत मज़े आने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट्स पर आप इजीली इसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 4.0 मिल जाता है और उसके कारण कनेक्शन इजी हो जाता है। 40mm का ड्राइवर मिलता है और 10 वॉट का आपको ये स्पीकर मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो गजब का आपको ये स्पीकर मिल रहा है। यहाँ पे बात कर लें अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की, तो ये अवेलेबल है अमेजोन, टाटा क्लिक, फ्लिपकार्ट और अदर स्टोर्स पे भी आपको ये मिल जाएगा। बात करें प्राइसिंग की, तो अमेजोन पे अभी ये ऑफर में चल रहा है और ये आपको मिल रहा है सिर्फ 1399 का। वहीं फ्लिपकार्ट पे आपको मिल रहा है 1499 का। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस नए स्पीकर को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रहे हैं गूगल असिस्टेंट से। और यहाँ पर अगर आपके हाउसमेट या फैमिली मेंबर्स चाहते हैं असाइन करना रिमाइंडर्स को, तो वो अब इजीली कर सकते हैं। जी हाँ, गूगल ने ये ऑप्शन पहुँचा दिया है। तो गूगल असिस्टेंट में अब यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर्स और यहाँ पे आपके हाउसमेट्स इजीली रिमाइंडर लगा पाएंगे। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये ऑप्शन पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यह आ रही है गार्मिन कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि ये लेके आने वाले हैं 6 स्मार्ट वॉच और वो हो चुकी है लीक। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली है ये गार्मिन वेन्यू। और यहाँ पे आपको कलर डिस्प्ले मिल रही है, 43mm का आपको ये साइज मिलेगा। यहाँ पे बात करें और चीज़ों की, तो यहाँ पर ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी होने वाली है। बात करें अगले वेरिएंट की, तो ये है गार्मिन का वीवो एक्टिव 4 और 4S। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। आप इजीली यहाँ पे वीज़ा कार्ड और इनको एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि आपको यहाँ गार्मिन पे ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आपको GPS रिसीवर भी मिलता है। यहाँ पे बात करें अगले मॉडल की, तो ये है वीवो मूव स्टाइल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको कलर डिस्प्ले मिल रही है, लुक वाइज ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है। बात करें और चीजों की, तो यहाँ आपको LCD डिस्प्ले मिलेगा। यहाँ पे बात करें अगले मॉडल की, तो ये है वीवो मूव 3 स्पोर्ट और 3S। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों मॉडल कुछ इस प्रकार से देखने मिलेंगे। और लुक वाइज दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्लासिक लग रहे हैं। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो अभी ज्यादा कुछ कंफर्म नहीं है, तो वेट करते हैं, देखते क्या होता है, किस प्रकार से गार्मिन के ये 6 नए स्मार्ट वॉच आते हैं, क्या ओवरऑल फीचर देखने मिलते हैं और किस प्राइसिंग में सेल आउट होते हैं। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इनमें से कोई भी एक स्मार्ट वॉच को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यह आ रही है एक रिपोर्ट से। और ये रिपोर्ट बोलती है कि जो एप्पल के आने वाले हैं 2019 वाले आईफोन, वो आपको सेम टाइम में सेम डेट को देखने मिलेंगे। जी हाँ, तीनों एक साथ लॉन्च होने वाले हैं। और यहाँ पे अब वेट करते हैं, देखते क्या होता है, किस प्रकार से एप्पल के ये तीनों आईफोन आते हैं, क्या ओवरऑल फीचर होते हैं और किस प्राइसिंग में सेल आउट होते हैं। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप चाहेंगे एप्पल के नए आईफोन्स को लेना, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है एयरटेल के इंटरनेट टीवी से। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इसे लेना, तो अब इसकी प्राइसिंग कम हो चुकी है, अभी आपको मिलेगा 2269 रुपये में। जी हाँ, यहाँ पे बात करें और चीज़ों की, तो यहाँ ये ऑफर कर रहे हैं गूगल होम मिनी स्पीकर। तो अगर आप इसे भी चाहते हैं लेना, तो आप इसे ले सकते हैं। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप एयरटेल की इंटरनेट टीवी लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A2020 वेरिएंट से। और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि कुछ इस प्रकार से यहाँ कैमरा सेटअप आपको देखने मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं A21 से लेकर 41 में आपको 3 कैमरा मिल रहा है। यहाँ पर फिर A51 और A61 में आपको 4 कैमरा मिल रहा है। फिर आपको A71 से A91 के अंदर मिल रहा है TOF टाइम ऑफ फ्लाइट वाला। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कैमरा, तो A91 का बहुत ही तगड़ा है,
A81 और A71 में भी बहुत तगड़े कैमरा आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो अब वेट करते हैं, देखते क्या होता है, किस प्रकार से सैमसंग की गैलेक्सी A सीरीज 2020 आती है, क्या ओवरऑल फीचर देखने को मिलते हैं और क्या यही कैमरा सेटअप देखने को मिलते कि नहीं। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये कैमरा सेटअप पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की, तो ये आ रही है रोल्स रॉयस की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने अनवील कर दी है एक नई गाड़ी, ये है गोस्ट जेनिथ कलेक्टर एडिशन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। यहाँ पे बात करें और चीज़ों की, तो ये सिर्फ 50 अवेलेबल होगी। यहाँ पे बात करें और चीज़ों की, तो यहाँ पे कंपनी ने बताया कि जो इसकी डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड है 2009 की 200EX कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे बात कर रहे हैं और चीज़ों की, तो आपको गजब का फ्रंट लुक देखने को मिलता है। इंटीरियर में आप जैसे ही घुसते हैं तो आपको गजब के ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं और बहुत ही प्रीमियम आपको ये गाड़ी मिलती है। यहाँ पे बात कर रहे हैं और चीज़ों की, तो यहाँ पर आपको ये रूफ में बहुत ही गजब का देखने को मिलता है। यहाँ पर बात करें क्या इंजन मिलता है, तो यह आपको 6.6 लीटर ट्विन टर्बो V12 पेट्रोल इंजन मिल जाता है। यह आपको दो वेरियंट में देखने को मिलती है, एक है स्टैंडर्ड और एक है एक्सटेंडेड व्हील बेस में। यहाँ पे बात करें अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग अभी अनवील नहीं हुई है, तो वेट करते हैं देखते क्या होता है और किस प्राइसिंग में सेल आउट होती है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये नई रोल्स रॉयस की गाड़ी पसंद आई कि नहीं आई, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की, तो ये आ रही है महिंद्रा की तरफ से और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि ये ऑफर कर रहे हैं डिस्काउंट, वो भी 72,000 का, इनकी XUV 300 पर, TUV 300 पर और स्कॉर्पियो पर। जी हाँ, यहाँ पर आपको ये ऑफर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं महिंद्रा की कोई नई गाड़ी लेना, वो भी इन तीनों में से, तो अभी आपको अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगी। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप लेना चाहेंगे महिंद्रा की कोई नई गाड़ी को, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली और फाइनल डेली डॉज की, तो ये आ रही है महिंद्रा थार 2020 से और यहाँ पर आप जानते हैं ये नई थार आने वाली है। अब यहाँ पे ये दिखी है इंडियन रोड्स पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका फ्रंट लुक देखने मिला है और लुक वाइज ये अच्छी लग रही है। यहाँ पर देखेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस पहले से ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर बात करें और चीज़ों की, तो आप देख सकते हैं बैक लुक कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। तो वेट करते हैं देखते क्या होता है, किस प्रकार से ये 2020 वाली थार आती है, क्या ओवरऑल फीचर होते हैं, किस प्रकार से इंटीरियर देखने मिलता है और कितने प्राइसिंग में सेल आउट होती है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये लुक पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और बताइए। साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का डेली डोज। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके इसे फैलाइए और हो सके तो डोनेट कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, मैं था आपका दोस्त अमन सारड़ा, भारत माता की जय।